नमस्ते संगीता जी, इजी रेसिपीज में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि हलवाई मोतीचूर के लड्डू कैसे बनाते हैं। सबसे पहले एक बर्तन में बेसन का घोल तैयार करते हैं। ये देखिए घोल की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। मोतीचूर के लड्डू के लिए इतना बारीक छेद वाला झारा होना चाहिए। चाशनी पहले से तैयार करके रखनी पड़ती है। चाशनी थोड़ी सी थिक होती है, यानी दो तार की चाशनी होती है। अब इस तरह तेल के कढ़ाई में झारे से बारीक बूंदी बनाई जाती है। आप चाहे तो घी भी ले सकते हैं। जब बूंदी अच्छे से सिक जाए तो उसे बाहर निकाल कर चाशनी में डाल दिया जाता है, इस तरह ताकि बूंदी अच्छी तरह चाशनी को सोख ले। एक दूसरे झारे में डालकर बूंदी की एक्स्ट्रा चाशनी को अलग कर दिया जाता है, तब ये इस तरह हो जाती है और अब इसके लड्डू बनाए जाते हैं। इसमें कद्दू के बीज या मनचाहे मेवा डाल सकते हैं। ये देखिए बूंदी के रसीले लड्डू बनकर तैयार है। आप भी ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।